फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक स्पेशल वीडियो है आप लोग के लिए, मेरे बच्चे के बर्थडे का वीडियो है। तो यहाँ मैंने इसके लिए केक बनाया था, रसमलाई केक। तो मैं यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप लोग को उसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोग को ज़रूर दूसरे वीडियो में दूँगी। तो मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने बटर लिया था, ये नॉर्मल बटर था जो हमारे घर में होता है अवेलेबल, वो बटर था। फिर उसके अंदर मैंने मिल्कमेड डाला। यहाँ पर मैं एगलेस केक बनाने जा रही थी, या हैंड ग्राइंडर की मदद से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। फुल रेसिपी, डिटेल रेसिपी फ्यूचर में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। फिर यहाँ पे हमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट है हमारा, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब डाल के अच्छे से छन लेना है ताकि उसमें जो भी बारीक दाने हों, गट्टे हों, वो सब निकल जाए। फिर एक टी स्पून में इसके अंदर डाल दे रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर वनीला केक। ये रसमलाई केक है तो वनीला केक बेस रहेगा उसका। तो यह उसको अच्छे तरीके से कट एंड फोल्ड की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके अंदर हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट, यानी ये दोनों को दो पार्ट में मिला के हमें उसके अंदर डाल देना है, पूर कर देना है। और उसको कट एंड फोल्ड की मदद से हम उसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है बट यही मेथड से मिक्स करिएगा। और फिर हमें ये रेडी हो गया, फिर उसको हमें बेकिंग जो हमारा टिन होगा उसमें हमें डाल देना है। उसको अच्छे तरीके से आप लोग कोट कर लीजिएगा बटर और मैदे से ताकि वो आसानी से निकल जाए। बटर पेपर भी लगा सकते हैं आप लोग। तो उसको 180 डिग्री के प्रीहीट ओवन में हमें इसको बेक करना है 40-45 मिनट्स में। ये बेक हो जाता है उतनी देर में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। तो यह बन के रेडी हो गया था, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बना था मेरा ये केक। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोग को इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस केक बना था मेरा। तो ये बेस रेडी हो गया और बाकी जो चाहिए मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना सॉफ्ट बना था मेरा केक। ऊपर के उसको मत देखिएगा, वो तो कट करके हम उसको साइड में रख सकते हैं, बट उसको ऐसे भी जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको भी अगर आप चाय के साथ खाओगे ना, बहुत मज़ा आती है। तो यहाँ मैं धागे की मदद से या नाइफ़ की मदद से आप लोग उसको अच्छी तरीके से कट भी कर सकते हो, बट ये हैक मेरे लिए बहुत काम करता है। तो आप लोग ज़रूर ये हैक ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, अब मैंने रिच के लिए, आप ट्रोपोलाइट कोई भी कंपनी के ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी इसका जो फिलिंग है वो तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया, उसके अंदर डाल दिया मैंने रसमलाई एसेंस, और फिर मैं डाल रही हूँ उसके अंदर येलो का जेल कलर। व्हिपिंग क्रीम के लिए येलो जेल कलर ही यूज़ किया जाता है ताकि उसमें एक रसमलाई का जो येलो कलर होता है वो आए, अच्छा लगे अंदर से। तो इसलिए मैंने उसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अच्छे से व्हिप कर लिया उसको। हमें उसको ओवर व्हिप नहीं करना है, यानी उसमें एक पीक आ जाएगी, यानी आप लोग देख सकते हो, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोग को। तो ऐसी एक पीक आ जाएगी तो बस हमें उतना ही व्हिप करना है। ज़्यादा व्हिप करोगे तो आपकी क्रीम भी फट सकती है। तो यहाँ पे ये मेरा फिलिंग रेडी हो गया है। फिर मैं एक बार व्हिपिंग क्रीम्स को व्हिप करूँगी, यानी जो ऊपर मुझे उसको कोट करना है, जिससे मैं उसको क्रम कोट और उसका डिज़ाइन दूंगी या शेप दूंगी। तो मैं उसके लिए व्हिप कर रख रही हूँ वाइट कलर का, उसके अंदर मैंने कुछ एसेंसें डाला। तो यहाँ पे हमें चाहिए रसमलाई, चाहिए रबड़ी चाहिए, और ये रसमलाई का जो दूध आता है जिसमें ये रसमलाई होती है भीगी हुई, हमें वो भी चाहिए क्योंकि टेस्ट तो इसी का आना है। रसमलाई का चाहिए तो रसमलाई की सारी चीज़ें यूज़ होगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बेस रख लिया, उसके ऊपर मैंने वो रसमलाई का जो मिल्क होता है वो डाल दिया, अच्छे तरीके से उसको सोक कर लिया वो मिल्क में। फिर जो हमारा व्हिपिंग क्रीम था फिलिंग वाला, रसमलाई का एसेंस वाला, वो मैंने डाल दिया। फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया रबड़ी। रबड़ी डालने के बाद मैंने उसके ऊपर डाल दिया रसमलाई टुकड़े करके। इसमें कंजूसी मत करना, जितना अच्छा आपको फ्लेवर चाहिए तो आप लोगों को कंजूसी करना ही नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरीके से फिलिंग भरनी है, एकदम भी ओवर मत करना है वरना आपका केक बैठेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा लेयर बन के रेडी हो गया था, फिर मैंने उसको क्रम कोट कर लिया वही व्हिपिंग क्रीम से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बन के रेडी हो गया था मेरे बेबी का बर्थडे। ये मैंने 12 बजे बनाया था केक, तो देख सकते कितना प्यारा बना था। बट मैं जो चाह रही थी वो बना नहीं, बट जो बना मेरे को बहुत मज़ा आया, मेरे बेबी को भी बहुत पसंद आया था। आप लोग देखिए वो कितना खुश था और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमने छोटा मोटा डेकोरेशन किया था उसके बर्थडे पे। तो यहाँ उनके दादा दादी उसके साथ मिलके केक कट कर रहे हैं, उसने भी बहुत इंजॉय किया था। और ये उसको केक उसको भी बहुत पसंद आया था, घर में सबको बहुत पसंद आया था। तो आप लोग को रेसिपी चाहिए तो मैं एक फुल डिटेल रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी. इन्जॉय. अल्लाह हाफिज़. और दुआ में याद रखना.